हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरीके का शंख के जैसा डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये बेहद ही आसान डिजाइन है। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस डिजाइन से आप ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये 6 सिलाई का पैटर्न है। 6 सिलाई में देखिए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है, उसके बाद 6 सिलाई को ही यहाँ पर बनानी होती है, यानी कि 12 सिलाई में ये डिजाइन बन के कम्प्लीट होता है। और इसे बनाने के लिए फंदे 4 के मल्टीपल में +1 फंदा एक्स्ट्रा लेनी है। ये डिजाइन का बैक साइड देखिए, इस तरह से बन के आएगा। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 17 फंदा ली हूँ, 4 के मल्टीपल में 16 + 1 फंदा, तो ये 17 फंदा है। फर्स्ट सिलाई सीधी साइड है, तो पहली सिलाई में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा। देखिए, इसी 4 फंदा को आपको पूरी सिलाई में रिपीट करना है, 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, लास्ट का फंदा सीधी साइड है इसलिए सीधा बुन लेंगे। सेकेंड सिलाई उल्टा साइड में देखिए, पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपने तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3। इस सिलाई में जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे। 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा तरफ है इसलिए उल्टा बुन लेंगे। अब थर्ड सिलाई सीधी साइड में देखिए, जैसे फर्स्ट सिलाई बुनी उसी तरीके से थर्ड सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। अब फोर्थ सिलाई उल्टा साइड में, जैसे हम सेकंड सिलाई बुनी उसी तरीके से बुनना है। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपने तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब फिफ्थ सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, उसके बाद धागा पीछे करके, ये देखिए सीधा फंदा है। तो हम यहाँ से जो सिलाई का फंदा है उससे हम काउंट करेंगे,
1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नंबर के होल में इस तरह से हम सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे और इसे हम इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद 4th नंबर के होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद 3rd होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर 3 फंदा बना लिए हैं। अब 2nd होल में सिलाई डालकर फंदा बना लेंगे, देखिए। उसके बाद लास्ट में सिलाई का फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर 5 फंदा बन गया है। तो इसी तरह से पूरी सिलाई में बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदा उल्टा, उसके बाद धागा पीछे करके। यहाँ पर सेम इसी तरह से बनानी है, ये सीधा फंदा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर के होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, देखिए। उसके बाद 4 नंबर के होल में सिलाई डालकर फंदा बनाएंगे, फिर 3rd नंबर के होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद 2nd नंबर के होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, फिर लास्ट में सिलाई का फंदा बुन लेंगे। ये देखिए 5 फंदा बन गया है। धागा अपने तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। फिर से यहाँ पर सीधा फंदा है, तो 5 फंदा बना लेंगे। देखिए लास्ट का होल है, उसमें सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, फिर से नेक्स्ट होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। देखिए 2nd होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, लास्ट में सिलाई का फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर 5 फंदा बन गया है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। अब 6 सिलाई उल्टा साइड है, तो सिलाई में देखिए पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर जो 5 फंदा बनाए हैं, 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फिर से देखिए यहाँ 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके फिर से देखिए यहाँ 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब 7 सिलाई सीधी साइड है, तो जैसे हम 1st सिलाई बुने उसी तरीके से बुनेंगे। बस स्टार्टिंग का फंदा देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से 1st सिलाई के जैसा ही बुनना है, देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। यहाँ पर देखिए 3 जो उल्टा फंदा बनाए हैं, तो ए डिजाइन के सामने बीच का उल्टा फंदा होना चाहिए। एक सीधा फंदा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। लास्ट का फंदा सीधी साइड है, तो सीधा बुन लेंगे। एट सिलाई उल्टा साइड है, तो जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, या जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे। देखिए पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब 9 सिलाई में देखिए, इसमें भी जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, अब यहां से तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा। टेन सिलाई, एट सिलाई के जैसे ही बुनना है। देखिए, पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अभी 11 सिलाई सीधी साइड है, तो जैसे हम ये डिजाइन बनाए हैं उसी तरीके से यहां पर बनेगा। देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, ये सीधा फंदा है तो ये लास्ट का जो होल है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, उसके बाद वाले होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, तो इसी तरीके से 5 फंदा बना लेंगे, 4, लास्ट में सिलाई का फंदा बुन लेंगे। यहाँ पर 5 फंदा बन गया है, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पर फिर से 5 फंदा बना लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, धागा अपने तरफ करके तीन फंदा उल्टा, यहाँ पर फिर से 5 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा अपने तरफ तीन फंदा उल्टा। देखिए, लास्ट होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होल में सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट होल में सिलाई डालकर एक फंदा बना लेंगे, यहाँ पर सिलाई डालेंगे, सेकेंड होल में एक फंदा बना लेंगे, उसके बाद लास्ट में सिलाई का फंदा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा। ट्वेल्थ सिलाई उल्टा साइड है, तो पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, यहाँ पर देखिए 5 फंदा है, तो 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा,
धागा अपने तरफ, 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, 5 फंदा को एक साथ करके उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा तरफ है तो उल्टा बुनेंगे। देखिए ये 12 सिलाई में डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा डिजाइन बनता है। आगे आपको 13 सिलाई जैसे फर्स्ट सिलाई बुने उसी तरीके से बुनना है। 31 से लेकर के 12 सिलाई बार बार रिपीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।